तो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो आज हम खेलने वाले हैं आउटलास्ट। बहुत डिमांड आ रही थी हॉरर गेम खेलने की, तो खेलने वाले हैं हम। और ये हमें कुछ बेसिकली दे रहे हैं गाइडलाइंस कि भैया देखो बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंस गेम है और इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का यूज़ हुआ है, कंटेंट भी कुछ ऐसा है मतलब 18+। सो अपने ऊपर देखना, मतलब बहुत डर लग सकता है क्योंकि लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा डरावना गेम है। ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड बेस्ड गेम है, इनफैक्ट ये रेसिडेंट ईविल से ज़्यादा खतरनाक गेम है। और इसमें कोई एक्शन भी नहीं है, मतलब कि हम गोली वोली नहीं चला सकते, हमें सिर्फ छुपना होता है, बचना होता है। तो ये लिटरली बहुत टफ गेम भी होने वाला है। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोई बच्चा देख रहा है तो मैं, मुझे मालूम है तुम मेरे कहने से रुकने वाले तो हो नहीं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि मत देखना। और अगर तुम देख रहे हो और तुम्हें डर लगा, अगर लगा तो रुक जाना, मत देखना, क्योंकि मेरी भी हालत ख़राब हो सकती है। तो फिलहाल गाइस हम एक रिपोर्टर हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं, हम किसी जगह पे जा रहे हैं। आप देख सकते हो मैंने ग्राफिक्स जो है वो फुल हाई सेटिंग्स में कर रखे हैं, मतलब इससे ज़्यादा। और ये काफ़ी पुराना गेम है तो ग्राफिक्स की वो मत करना यार कि ग्राफिक्स जो थे अच्छे नहीं थे, क्योंकि हम इस पूरी सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं और नया पार्ट भी आने वाला है आउटलास्ट ट्रायल, तो इसलिए मैं पूरी सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। और फाइनली एक हॉरर गेम आ गया इस चैनल पर, तो मैं अभी बस ग्राफिक्स देख रहा हूँ। और देखिए मैं इसको जल्दी से सेट करता हूँ और जो भी चीज़ें मेरे को देखनी है फिर मैं आपसे मिलता हूँ। हो गया, करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सो मतलब स्किप करने की नहीं ज़रूरत पड़ी। तो देखो आप देख सकते हो, ये क्या है पहले, एक सेकेंड, माउंट मैसिव असाइलम। तो भाई आप देख सकते हो हमारा जो स्क्रीन है सामने, ये देखो प्रेस का एक कार्ड बना हुआ है। हम एक रिपोर्टर हैं जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, और गेट खुला है, ठीक है, बहुत सही। यहाँ पे ठीक है, हमने खड़ी कर दिया। ओके, तो एक रिपोर्ट है कॉन्फिडेंशियल। तो इसमें लिखा है गाइस कि ये 17 सितंबर 2013 की है और एक ईमेल आई है हमें, आप देख सकते हो ईमेल लिखी है, और सब्जेक्ट है कि इलीगल एक्टिविटीज चल रही है इस मर्कोफ साइकेट्रिक सिस्टम में। मर्कोफ एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसमें चल रहा होगा बेसिकली गलत एक्सपेरिमेंट, और ये बोल रहा है कि भैया शायद वो मेरे को मॉनिटर कर रहे हो। 2 हफ्ते से मैं सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट हूँ इस मर्कोफ, बेसिकली ये जो असाइलम है, ये मैसिव असाइलम, माउंट मैसिव असाइलम। तो ये बोला यहाँ पे बहुत ही गलत गलत काम चल रहे हैं भाई, बहुत ख़तरनाक चीज़ है ये। तो डॉक्टर्स जो हैं बेसिकली, एक थेरेपी चल रही है जो बहुत ज़्यादा डीप है, और ये बहुत ही, मतलब इसने इतना सबको, इसने बस बेसिकली रिक्वेस्ट करी है कि भैया इनको एक्सपोज्ड होने की ज़रूरत है, तो तुम आओ रिपोर्टिंग करो। और ये सिर्फ पैसा बना रही है और कुछ नहीं, मतलब इसके लिए एक्सपेरिमेंट कर रही है। अब पता नहीं एक्सपेरिमेंट से पैसा कैसे बना रही है, वो सब आगे शायद हमें पता चले कि करना क्या चाहिए। फिलहाल हमारे पास ये रिकॉर्डर है क्योंकि हम रिपोर्टर हैं और हम ऑब्वियसली एविडेंस रिकॉर्ड करने वाले हैं ऐसे। तो देखिए हम प्रेस हैं। तो इसमें लिखा था कोलोराडो वर्किंग प्रेस, और ये इंडिपेंडेंट एजेंसी थी बेसिकली, मतलब जो लिखा था कार्ड पे। और ये हमारा नाम माइल्स है, ईमेल में भी ऐसा ही कुछ नाम लिखा था क्योंकि हमें ईमेल भेजी गई थी। सो गाइस ये कुछ डरावनी जगह है, काफ़ी ख़तरनाक। ओके ओके गाइस, तो ये बोल रहे हैं कि हम नोटबुक जो है और अपने डॉक्यूमेंट्स जो हमें मिले थे, वो जो साइड में रखे थे, उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, इकट्ठा एक बार में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा देखते हैं गेम में, यहाँ पे शायद कुछ करना हो, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो गाइस ये एक्सपीरियंस बेस्ड गेम है, ये कि मतलब ऐसा ऐसा गेम नहीं है कि लड़ाई वड़ाई होगी, कुछ ख़तरनाक ही देखने को मिलेगा। तो मैं इस गेट को खोल देता हूँ, खुल गया। मेन गेट को भी देखते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे आ गए, और हाँ ये गेट बंद है। तो मेरी इंस्टिंक्ट भी यही कह रही थी कि शायद मेन गेट बंद ही होगा। तो ठीक है, ये बोल रहा है कि भैया कैमरा कॉर्डर खोलो राइट माउस क्लिक करके। ओके हमने खोल लिया। तो बेसिकली आपको आवाज़ आ रही होगी कुछ लिखने की, तो बेसिकली नोट्स तैयार कर रहा है ये अपने बेसिकली, और आप देख सकते हो नोट्स थे। अब इसको पढ़ेंगे हम आराम से, पहले थोड़ा सा देख लें मतलब इस गेम को कि भैया अंदर कैसे जाएं, क्या करें क्या ना करें। तो रिकॉर्डिंग चल रही है और इसमें कुछ सेल्स बन के आ रहे हैं, और हमने सेल्स भी लिए थे रिकॉर्डर के साथ। तो मेरे हिसाब से शायद हो सकता है कि इसमें बैटरी भी जाती हो, क्योंकि मैंने खेला नहीं है पहले, तो ऑब्वियसली मेरे को पता भी नहीं। और वो गेट मेरे ख्याल से खुल जाएगा, मैंने खुलने की कोशिश नहीं करी। साइड में जाके देखते हैं पहले, लग तो रहा वैसे ये गेट होगा, नहीं ये लॉक्ड है।
ओके तो वहीं पे ही है, तो वहीं से जाना होगा। ठीक है, हम डायरेक्ट एंट्री मारते हैं। ये भी जगह वैसे बंद है, और ज़्यादा कुछ आगे वागे है नहीं। शायद उस लेफ्ट साइड में भी कुछ हो, मे बी। बंद ही लग रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, माउंट मैसिव असाइलम, ओके। गेट खोलने की कोशिश, और गेट लॉक्ड है। तो बेसिकली हो सकता है कि हम इससे कूद जाएं। नहीं, कूद नहीं पा रहे। ओके, तो ये एक जगह है, ठीक है, हमें यहाँ से निकलना है। वैसे जगह जो है काफ़ी डरावनी बनाने की कोशिश करी है, और काफ़ी सक्सेसफुल भी हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी पुराना गेम है, तो ग्राफिक्स इसलिए भले ही ज़्यादा अच्छे ना लगे, लेकिन ये काफ़ी सही गेम है। ओके, तो ये सीढ़ियाँ मिल गई हमें, गेट तो बनता है, और आप देख सकते हो, ये मैंने आपको आसपास का ओवरव्यू दे दिया कि जगह दिखती कैसी है। साउंड काफ़ी ख़तरनाक आ रही थी अभी। ओके, हमें कूदना है, मतलब अभी शायद शुरुआत चल रही है, तो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भैया खेलना कैसे है हमें गेम ये। ठीक है, ऊपर चढ़ना होगा, और आप ये देख सकते हो जगह। तो लाइट चली गई है गाइस, तो अब ये बोल रहे हैं कि एफ दबाओ, तो नाइट विजन शुरू हो चुका है, और ये काफी खून, कुछ तो गड़बड़ है, शीशे भी टूटे पड़े हैं, इसीलिए इस गेट से हम आ पाए थे, वरना सारे दरवाजे तो बंद थे। ओके, ये कुछ है ना, सुरंग, नहीं 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 सुरंग नहीं थी, वो रिफ्लेक्शन था, और ये गेट है, चलते हैं फिर खोल के। ओके, यहाँ पे भी, अच्छा ठीक है, लेफ्ट से, एक सेकेंड, ये कैसी आवाज़ थी? तो ये दरवाज़ा बेसिकली आप राइट से बंद था, तो हम यहाँ से घूम के जा रहे हैं अब आगे देखा जाए तो। और ये गेट काफ़ी अजीब तरीके से खुल रहा है, देखो पीछे से बंद था तो हम आगे इसलिए आए, लेकिन हाँ हम यहाँ से जा सकते हैं। ओके, ये एक रूम है, ओके, बैटरीज मिली हैं गाइस हमें यहाँ पे, और तो कुछ भी काम का नहीं है, तो आर दवा के बोल रहा है कि हम रीलोड कर सकते हैं बैटरीज को, लेकिन अभी तो काफ़ी हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। एक दरवाज़ा बंद हो गया अचानक से, ओके, काफ़ी खून, लेकिन कैमरे में दिख नहीं रहा, मतलब नाइट विजन वाले मोड में। यहाँ पर शायद कोई गया है वहाँ से, मतलब तो ये लिखा है कि प्लीज़ अवॉइड कंटेमिनेशन, वॉश योर हैंड्स, मतलब यहाँ पर सच में कोई सीरियस एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होंगे, आई गेस। चलते हैं, नहीं दरवाज़ा बंद है, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि पीछे इधर से जाना हो। ओके, वेंटिलेशन से ही जाना है, और पीछे उत्तरी बंद है, जाले वाले लगे हुए हैं, चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या रास्ते खुलेंगे यहाँ के। एक सेकेंड, किसी ने कुछ करा और भाग गया, अब कोई नॉर्मल ह्यूमन बींग नहीं लग रहा था, उसका जो बेसिकली बॉडी थी वो काफ़ी जली हुई ऐसी कुछ मतलब लग रही थी। मेरा दिमाग ख़राब हो गया अभी, आपने देखा मैंने एकदम से माउस हिला दिया, मतलब मैं डर गया था, ये क्या हो गया भाई, और कोई दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। छी,
यहाँ पे कुछ एक्सपायरी पता नहीं क्या है यार ये क्या। ओ भाई एक और बॉडी। वाल हम सब कुछ रिकॉर्ड तो कर ही रहे हैं एविडेंस, और ये काफी सारी लाशें और एक बंदा टका हुआ है। They killed us. They got out. कह रहा है उन्होंने सब ने हमको मार दिया, मतलब हम सबको मार दिया। हम उनको फाइट नहीं कर सकते, हम सिर्फ छुप सकते हैं। कह रहा है डोर्स को अनलॉक कर सकते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल रूम से, मतलब भागने का रास्ता। और ये बोल रहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मतलब राय दे रहा है क्योंकि ये नहीं चाहता कि हमारी भी ऐसी हालत जैसी इसकी हो गई। ठीक है मगर भाई काफी खतरनाक, मतलब ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो मैं बार बार रिकॉर्डिंग यूज नहीं कर रहा क्योंकि आप समझ ही सकते हो बैटरी लो हो जाएंगी, फिलहाल तो सब बंद है, एक ही रास्ता है आगे बढ़ने का। भाई साहब क्या हो गया ये, फिलहाल हम अनकॉन्शियस हो गए गाइस। And who are you then? पूछ रहा हम कौन है। I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. ये सोच रहा है हम भगवान के भेजे हुए बंदे हैं, जिसने मतलब इसने हमारी रिकॉर्डिंग चेक करी और ये कह रहा है हम तुम्हें बचाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, भाग गया ये। यहाँ पे तो दिख नहीं रहा अब, और लाशें छोड़ गया। वैसे वो कोई प्रीस्ट लग रहा था, और देखो क्या हालत हो गई। इसलिए मैं कह रहा था गाइस अगर आपकी एज कम है तो मत देखना। तो देखो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें असाइलम से एस्केप करना है। ये सिक्योरिटी कंट्रोल जो उस बंदे ने जो मर रहा था बंदा उसने हमें बोला था कि भग जाओ यहाँ से, तो हमारा भगना एम है। अभी आए हैं हम अभी भग जाएं। वैसे हमने काफ़ी कुछ रिकॉर्ड कर लिया, इस फुटेज के बेसिस पे काफ़ी कुछ गवर्नमेंट कर सकती है इस जगह का, तो हम यहाँ से भग जाएं तो काफ़ी सही रहेगा। मतलब हम गवर्नमेंट को बता सकते हैं ना कि यहाँ पे काफ़ी कुछ हो गया, यहाँ पे भी खून खून। पानी लीक हो रहा था, अगेन दरवाज़ा नहीं खुला। एक सेकंड ये क्या है। ठीक है अच्छा बंदा भाग गया, मैं पीछे खड़ा हो गया था, मुझे लगा शायद इधर ना आ जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ साइंटिस्ट हैं, ये जर्मन डेलेरेर जो भी नाम था, ये ओलिवर आगे नाम मेरे को समझ में नहीं आ रहा, शायद क्या पता कोई रियल साइंटिस्ट हो जिनकी फ़ोटो लगाई हो मे बी। ये बड़ी अजीब सी जगह। एक सेकंड यहाँ पे काफ़ी खून है नीचे, देखते हैं। शिट विटनेस, पीछे विटनेस लिखा है, क्या विटनेस देना चाह रहे हैं ये, मतलब एक जगह बॉडी है दूसरी जगह पैर थे। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्राफिक्स वाला गेम है, तो मतलब सीरियसली यार देखो तो अपने ऊपर देखना यार, मतलब अगर तुम नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो मत देखना ये। वैसे मुझे मालूम है तुम मानोगे तो वो नहीं, बट इस गेट तो बेसिकली सिक्योरिटी वाला गेट है, आई गेस यही है वो गेट। और इसे बोला है कि भैया हमें की कार्ड की ज़रूरत है, तो की कार्ड भी ढूंढ लेंगे शायद आगे मिलेगा। ओके ये बस एक रूम है, शायद यहाँ पे कुछ हो। तो अपडेट हो चुका है, हमने ले लिया डॉक्यूमेंट, और ये डॉक्यूमेंट में लिखा है बेसिकली हेलन ग्रांट ने लिखा है ये मर्कोफ कॉरपोरेशन को, आप ईमेल से पता कर सकते हो। और सब्जेक्ट है कि प्रोजेक्ट वॉल राइडर चल रहा है
उसकी इंस्पेक्शन के बारे में है ये, तो बोल रहा है कि भैया रिपोर्ट जो है वो पेंडिंग है, कोई भी इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत नहीं है मर्कोफ कॉरपोरेशन पे, क्योंकि अभी भी ये बहुत ही ज़्यादा हाई पोटेंशियल है इसमें प्रोजेक्ट वॉल राइडर में प्रॉफिटेबिलिटी का, तो इस वजह से मतलब ये सारा प्रॉफिट पे चल रहा है ऑब्वियसली जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स वाला गेम है, कोई भूतिया गेम नहीं है ये। तो आगे बोला जा रहा है कि 4 फैटेलिटीज़ हुई हैं, यानी कि 4 मौतें हुई हैं, और ये प्रोजेक्ट वॉल राइडर जो है अभी भी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस इनिशिएटिव है, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है तो आगे भी कैजुअल्टीज होने की चांसेस हैं पूरे पूरे। और ये बोला कि फैमिली और गवर्नमेंट इंटरेस्ट जो है वो पेशेंट में बहुत ही कम है, बेसिकली ये बोल रहे हैं कि अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, और मतलब बेसिकली जो कर रहे हैं फिज़िकल और केमिकल जो भी, ये बेसिकली मतलब कह सकते हो कि कंपनी है जो कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, शायद गवर्नमेंट से इनका कोई लिंक है, क्योंकि गवर्नमेंट के बोले जा रहे हैं कि इनका इंटरेस्ट पेशेंट में बहुत ही कम है, मतलब जिन पे चल रहा है एक्सपेरिमेंट, और ये सिक्योरिटी वाला बंदा है जो मर चुका है। ठीक है, सो मतलब तो काफ़ी कुछ गलत चल रहा है, और शायद गवर्नमेंट के लिए चल रहा हो, मे बी, मैं अभी कुछ क्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि तो इसमें लिंक करा गया है गवर्नमेंट को, क्योंकि डॉक्यूमेंट जहाँ पे रखे थे इसके नोट्स नहीं है, जो हमने नोट्स लिखे हों इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये गेट तो अभी शायद बंद ही होगा, ये गेट बंद है, तो एक बंदे की आवाज़ आई, समझ में नहीं आया कहाँ से आई, वो बहुत डरा हुआ था, कह रहा था सब मार देंगे हमें वगैरह, ये हमारी चॉइस नहीं, ऐसे ही कुछ डरा हुआ था फिलहाल मोटा मोटा। तो गाइस गेट तो खुल नहीं रहा, करे तो करे क्या, फंस चुके हैं हम इस जगह में, और ये अच्छा एक सेकंड गेट है ये, अबे ये तो वही गेट है, शिट, देखो सामने वही एग्जिट वाला दरवाजा जो बंद है, और मैं जिस रूम में भी जाता हूँ अगर फोन होता था वो टू टू जरूर करता रहता है, ये बात मैं नोटिस करी, मुझे लगा शायद यहाँ पे कुछ होगा, शायद हम किसी ड्रॉअर को खोल सकें जिसमें कुछ मिल जाए हमें, की कार्ड वगैरह समथिंग। तो यहाँ से चलते हैं, फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और ये दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा, करें तो करें क्या, की कार्ड ढूंढना गाइस, यहीं कहीं होगा की कार्ड, ये तो फिर यहीं पे, एक सेकंड इसके पास तो नहीं, नहीं इसके पास भी नहीं है, क्या पता कहीं रखा हो सीक्रेट जगह पे, एक सेकंड, ओ तेरी यहाँ पे तो मुंडी वुंडी रखी है भाई, ये आप देख सकते हो यहाँ पे काफ, ओ भाई बहुत सब कुछ इसमें, तो बहुत कुछ है। सो ये गेम इतना भी मतलब काफ़ी डिटेल्स है, मैंने ध्यान नहीं दिया था पहले, इस बंदे की भाई साहब बिठा के ही मार दिया, और नीचे भी एक बंदा मरा हुआ है। फिलहाल हमें कुछ बैटरीज मिली हैं, चलो ये एक अच्छी चीज़ है, हमें बैटरी मिल गई। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हम कंप्यूटर को चला सकें, कुछ हमें डॉक्यूमेंटेशन हमें मिले तो, और ये स्टोरी भी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ही बता रहे हैं हमें, ये बेसिकली उसी के ज़रिए टेल कर रहे हैं हमें स्टोरी, वरना हम चाहें तो गेम ऐसे डायरेक्टली भी खेल सकते हैं, लेकिन बिना स्टोरी के फ़ायदा क्या होगा, जब हमें पता ही नहीं होगा कि हमें करना क्या है, आगे क्या स्टोरी चल रही है। एक सेकंड, गेट खुल गया, अब ये गेट खुल गया, तो ये सिक्योरिटी रूम, इलेक्ट्रिक रूम, लाइब्रेरी, अब ठीक है, अभी भी हमारा वही है क्योंकि हमारे पास की कार्ड तो है नहीं। ठीक है, सिक्योरिटी कंट्रोल टू अनलॉक द मेन डोर्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा गाइस कहाँ जाएं, कोई बंदा, ठीक है कोई बंदा है वहां पे यार बैठा है, दरवाजा तो खुल नहीं रहा फिलहाल, शायद अभी हम जा नहीं सकते, ये बंद, अच्छा आगे बेसिकली डेस्क रखी थी, और आगे से गेट खुला है,
ये भी यहाँ पे कहीं की कार्ड रखा हो, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं। बंदा और मिल गया यार, मरा हुआ। यहाँ पे भी कुछ नहीं। कहीं कुछ नहीं है यार, बस ऐसी बना रखी है डेस्क। तो आगे रास्ता खुला था तो सोचा यहाँ पे एक बार चेकिंग कर ली जाए। और यहाँ पे ओके, हमें कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं गाइस। ठीक है, नोट्स बना रहा है। आप टॉप राइट में, सॉरी बॉटम राइट में देख सकते थे, अभी अभी आया था साइन, मतलब ये नोट्स बनाता है डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, पहला डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं। ये बेसिकली हमने पढ़ लिया है जो हमारे लिए आया था, और ये है बेसिकली आप कह सकते हो कि ये प्रोजेक्ट वॉल राइडर के ही अराउंड है ये पूरी की पूरी आउटलास्ट की स्टोरी, मतलब आउटलास्ट वन की जो हम खेल रहे हैं अभी। तो यहाँ पे किसी पेशेंट की डिटेल्स लिखी हैं, एज वगैरह। गाइस अगर मैं उसको पूरा पढ़ूँ तो मेरे को इतना समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये कुछ बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट है उनके बारे में लिखा है कि PPM 2000 PPM। अब मुझे सही में नहीं पता, मैं मेडिकल का बंदा तो हूँ नहीं है क्या है। सो बेसिकली कुछ MRI स्कैन्स हुए, उससे कुछ रिजल्ट्स आए वगैरह वगैरह। इंटरव्यू नोट्स है, ये वॉकर का इंटरव्यू हुआ। ये वॉकर कौन है? ये कोई कंपनी का मालिक वालिक तो नहीं है, या फिर कोई सुपरवाइजर जो सुपरवाइज कर रहा हूँ मैं भी, हो सकता है ना। तो आगे लिखा है कि आगे भी गाइस बहुत ही, मतलब वो लैंग्वेज यूज़ करिए जो कि पल्ले नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली फिलहाल उन्होंने बताया मेंटल ट्रॉमा आ रहे हैं, मतलब मेंटली ये थोड़े, समझ रहे हो ना। और अब एक सेकेंड, बेसिकली शायद मुझे लगता है, मतलब मुझे लग रहा है कि ये जो अफगानिस्तान में सर्व करके आए हैं, ये जो फौजी लोग होते हैं अमेरिका के, ऑब्वियसली अमेरिका का गेम है ये, तो उन पर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ बुरी चीज़ें देखी हैं अफगानिस्तान की वॉर में ऑब्वियसली। तो उनको कई सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो उन पर बेसिकली ये कुछ, देखो ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट अच्छे तो नहीं है। और ये काफ़ी अलग अलग चीज़ें भी लिखी थी, स्किन जो है रिप्ड हो गई फोरहेड की, काफ़ी अजीब अजीब सी चीज़ें हैं। बेसिकली बता तो इसी के बारे में रहे हैं। अब नोट्स पे भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। ये बोल रहा है कि जैसे ही मैं घुसा वैसे ही मैं थोड़ा सिख फील करने लगा, मतलब माउंट मैसिव असाइलम जहाँ पे हम हैं। और यहाँ पे गवर्नमेंट की सीक्रेसी 1971 में, ओके, बेसिकली मुझे लग रहा है गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, क्योंकि उनके फौजी ला रहे हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान में सर्व करा था जैसा बोला गया था। पहले नोट में तो यही लिखा है कि भैया ये चैरिटी, इसको चैरिटी मिलती थी, और सेलफोन वेलफोन सारे बंद बंद कर रखे हैं ताकि कोई सिग्नल ना भेज पाए। ऑब्वियसली इतने सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, वो भी गलत गलत, बाहर दुनिया के सामने आ जाएगा तो पंगा हो जाएगा। दूसरे में फिलहाल लिखा है, क्योंकि हम अंदर जब घुसे तो अपने नोट्स बना रहे हैं, कि बॉडीज़ जो हैं हर जगह पड़ी हुई हैं, ब्लड मार्क्स हैं, मतलब काफ़ी खून खराबा है। और मर्केस जो मर्कोफ है, ये साइंटिस्ट जो हैं वो टंगे हुए हैं सीलिंग पे। अच्छा, वो साइंटिस्ट है मतलब, ठीक है, मतलब बैजेस बोल रहे हैं, तो इसने ये पता लगा लिया। तो बेसिकली चैरिटी का पैसा खा के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये, और फिर पैसा बना रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए, क्योंकि हमने पिछले वाले में पढ़ा कि भैया बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, और वही सारी चीज़ें लिखी हैं। और ये अपने रिव्यूज़ दे रहा था कि भैया भाड़ में जाएं सब, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए वगैरह, मतलब रिपोर्टर अपने व्यूज़ रख रहा है। तो अगले वाले नोट में जो हमें तीसरा डॉक्यूमेंट मिला उसमें, क्योंकि उसके हिसाब से नोट्स बना रहा है ये, तो उसमें लिखा है कि भैया मैं हेल, ऐसा लग रहा है कि भैया मैं हेल को, हेल में हूँ, और एक ब्रोकन ग्लास से मेरे को फेंक दिया गया और मेरे को नियरली मार दिया गया एक जायंट के थ्रू। और ऐसा लग रहा है कि भैया कोई यहाँ पे चला रहा है, मतलब ऑब्वियसली चल ही रहा होगा एक्सपेरिमेंट, और मैं अनकॉन्शियस हो गया था। फिर एक बाबा आया, बेसिकली वही प्रॉफिट प्रीस्ट, सॉरी प्रीस्ट के, ये बोल रहा है कि ये वो एक साइको था, वो प्रीस्ट के आउटफिट में लग रहा था, और वो बेसिकली ऐसा लग रहा था कि वो पागल है, उसको ये बिलीव है, जैसा मैंने आपको बोला उसको बिलीव है कि वो एक प्रीस्ट है, उसको भगवान वगैरह वगैरह, लेकिन वो सब ऐसा था नहीं, वो पागल लग रहा था, ऐसा इसने नोट्स में लिखा। अब नोट्स में लिखा है वही सच होगा, क्योंकि ये गेम है, हमें स्टोरी इन नोट्स और डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर पता चलेंगी। तो हम यहाँ से ओके, ठीक है, क्यू और ई से ऐसे झांक सकते हैं दरवाजे से, बहुत सही। तो जो बंदा बैठा है, मुझे पता नहीं है ये हमला वमला करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन आगे और कोई रास्ता है नहीं, यहीं पर जा सकते हैं हम। देखो
अजीब सी हरकतें कर रहा है। मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे जाने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है, तो वैसे हम चले जाएंगे, मर भी जाएंगे तो क्या हो गया, रीस्टार्ट कर लेंगे हम तो। चलते हैं। ठीक है, इसने कुछ नहीं कहा, ये अच्छी बात है। एक सेकंड, ये तो कुछ नहीं कहेंगे, टीवी देख रहे हैं आराम से, इन्हें पता भी नहीं चला कि हम हैं यहाँ पे। एक सेकंड, टीवी, भाई टीवी देखा हमने, टीवी देखो चल ही नहीं रहा, खून खून और लगा हुआ है इस पे। ये क्या बात हुई भाई, वो बंदा अलग अपने नशे में है, मतलब सोफे पे जो है गम मना रहा है, पता नहीं किस बात का। दो बंदे टीवी देख रहे थे, देख रहे हैं मतलब, तो इन्हें फिर से नोट्स बनाए, मतलब इन्हीं के बेसिस पे इनकी जो देखो पढ़ते हैं हम नोट्स। ये बोल रहे हैं कि क्राउड जो है वो एक ब्रोकन मैन है, वॉचिंग मतलब देख रहे हैं एक डेड चैनल, जो कि मतलब क्योंकि कुछ आ नहीं रहा, और ये ऐसा लग रहा है कि पेशेंट्स हैं और वो सर्वाइव कर चुके हैं, जो भी वो कर चुके हैं, हमें पता नहीं क्या कौन सा सर्वाइवल है, क्योंकि हमें नहीं पता कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अभी अभी स्टोरी सिर्फ शुरू हो रही है, सो ये काफ़ी सही है यार, मतलब स्टोरी तो काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे गेम की, आगे जैसे चीज़ें रिवील होंगी। और सबसे खास बात ये है कि हमारे पास ना कोई गन वन है ना कुछ भी नहीं है, तो हम अटैक वटैक तो नहीं कर सकते, हमें से छुपना होगा। अभी तक फिलहाल छुपने वाली सिचुएशन आई नहीं है, और वही उसी तरीके से खून खून है हर जगह। देखो ये मरा पड़ा है, एक सेकंड, इसके पास ये फाइनली गाइस हमें आईडी कार्ड मिल गया। अब यहाँ पे और तो कुछ होगा नहीं, मतलब देखने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो भगते हुए जाते हैं और चलते हैं। पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब हमें कार्ड मिल गया तो अभी कुछ होने वाला है, शायद ये पकड़ने आ जाए हमें, हमें भागना हो। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, इनको पास से देखते हैं। काफ़ी ख़तरनाक है भाई, आप देख सकते हो। अच्छा हाँ, जो फोरहेड लिखा था कि पूरी छिल गई है, तो ऐसा कुछ था इनके में, इनकी बॉडी भी जली वली सी लग रही थी। ये बंदा भी क्या ही करेगा हमें, ओ ये हमसे मदद मांग रहा है, कह रहा है कि डॉक्टर मर चुका है, प्लीज हमें बचाओ वगैरह वगैरह। उन पे कोई असर नहीं पड़ा, वो अभी भी अपना टीवी देख रहे हैं, और ये बंदा काफी तकलीफ में है। ओके गेट अभी भी निकला, मुझे लगा डायरेक्ट हम जा सकते हैं, ठीक है घूम के चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल भाई की कार्ड मिल चुका है, अभी हम चलते हैं वापस। खुल क्यों नहीं रहा यार, अच्छा आगे से खुलना था, मैं पीछे खोल रहा हूँ। और बस बगल में लिखा था दे लाए, वो झूठ बोल रहे हैं वगैरह वगैरह, और ये ठीक है मरा पड़ा है, एज़ यूजुअल बंदे मरे पड़े हैं। शायद बगल में डॉक्यूमेंट्स हैं, पर हम उसको ले नहीं सकते आई गेस। फिलहाल ये कीबोर्ड पे कर रहा है जो भी कर रहा है। सिक्योरिटी सिस्टम को एक, मतलब एक सेकंड, ये प्रीस्ट फिर से दिख गया, इसने एक लीवर खींच दिया जिससे लाइट चली गई, ठीक है ओके। तो गाइस हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है कि हमें बेसमेंट में जाके, एक सेकंड, ये बोल रहा है कि लॉकर में छुप जाओ, फाइट करने की कोशिश मत करना, छुप जाते हैं। तो हमें बेसमेंट में जाके जनरेटर ऑन करना ताकि लाइट आ जाए, मतलब सिस्टम चल पड़े बेसिकली। और ये इसी ने हम पे हमला करा था, मैं नीचे फेंका था और ये फिर से आ गया, और ये कह रहा है
इसको सूंघ से पता चल गया है देख के कि तुम यहाँ पे थे, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मतलब हमारे पीछे पड़ा हुआ है ये। तो ये थोड़ी रेसिडेंट ईविल वाली फील है, मतलब एक बंदा होगा आपको क्वेस्ट पूरी करनी है, मतलब जो भी मिशन है वो पूरा करना है और एक बंदा आपके पीछे पड़ा हुआ होगा। काफ़ी सही। ठीक है यहाँ पे तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसको देखने गया क्या अभी के लिए तो गया, पीछे से भग लेते हैं। तो गाइस बेसमेंट में जाना है, बेसमेंट तुम्हें पता है कहाँ है, दरवाज़ा बंद था शायद इस बार खुल गया हो। देखो रीस्टार्ट द बेस मतलब जनरेटर इन द बेसमेंट, और ठीक है ये रहा दरवाज़ा, देखो खुला है, खुद ही खुला है। तो यहाँ से निकलना है गाइस। ओके एक और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पढ़ा जाए इसको, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। डॉक्यूमेंट्स तो बेसिकली मुकुलता प्रोग्राम CIA डॉक्यूमेंट है कोई ये, और ये बेसिकली फाइल है हिप्नोटिक एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च। तो हिप्नोटिज्म भी कुछ चल रहा है एक्सपेरिमेंट ऐसा कुछ, और वेनसडे 10 फरवरी 1954 हिप्नोटिक एक्सपेरिमेंट ये सब चल रहा था, कंटिन्यू करा जा रहा था बिल्डिंग 13 में, और माउंट मैसिव प्रिजर्व मतलब इसी जगह पे, ऑब्वियसली गेम भी यहीं पे है। तो बेसिकली एक रात पहले की बात है, मिसेस जैक्सन और मिसेस पियर्स पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था, ये लिखा है कि प्रोग्रेस हो रहा था और वो डीप हिप्नोटिक स्टेट में पहुँच चुकी थी, और उनको कुछ फियर फील हुआ ऐसा ही कुछ, और फिर मिसेस पियर जो थी वो जागी। बेसिकली वो थी तो अभी हिप्नोटिक स्टेट में ही, मतलब स्लीप, हिप्नोटिक स्लीप का इस्तेमाल शब्द यूज़ करा गया है यहाँ पे। और फिर उनके पास एक नियर मतलब पास में एक पिस्टल थी, और उन्होंने फायर कर दी मिसेस जैक्सन पे, मतलब पियर्स ने करी होगी फिर जब जैक्सन को मारी है। तो ठीक है बहुत सही है, मतलब यार और वो हेजिटेट नहीं हुई जैक्सन को मारने के लिए, उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे बेसिकली हिप्नोटिक्स, बेसिकली शायद कंट्रोल करा जा रहा है ये इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। बहुत सही। तो गाइस आगे लिखा है कि फिर वो दोनों उठ गए, एक सेकंड डीप स्लीप में थे हिप्नोटिक। ओके तो ये सब सारा का सारा सोच चल रही है बेसिकली, ये नशे में थे असल में, सपने में देख रहे थे, एमनीजिया हुआ था बेसिकली, एक तरीके का इल्यूजन कहते हैं इसको। अच्छा तो ये शायद सपने में भी नहीं था, इल्यूजन था कुछ ये पूरा का पूरा सीक्वेंस। और मिसेस पियर्स ने फिर से गन हाथ में ली और रिफ्यूज। भाई ये बहुत अजीब चल रहा है यार, ये क्या है, ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहे हैं, ये स्टोरी से कोई रिलेशन नहीं है। यह है तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया, ये बड़ा अजीब था यार, अजीब से एक्सपेरिमेंट है गाइस। फिलहाल ये हमें कुछ मिली है बैटरीज। ओ भाई सामने हमें जाना है। एक सेकंड, किसी ने बोला कौन है, हु इज दैट, मतलब शायद यहाँ पे मैं किसी से छुपना हूँ मे बी, या हो सकता कोई साथी हो। एक सेकंड, ये लाश लगी हुई है, खून खून तो हो ही रहा है हर जगह। दरवाज़ा खुल गया है लेकिन मैं भी खोल नहीं रहा हूँ, और भी गेट्स चेक करने चाहिए हमें। देखो इधर भी एक गेट था, अभी सामने भी एक गेट था, इस गेट पे जाते पहले, ये लॉक्ड है। ठीक है चलो एक गेट तो लॉक निकला, मतलब हमें दो गेट चेक कर रहे हैं, मतलब एक खुला हुआ था और ये दूसरा जो है इसको खोलते हैं। ओके ये भी खुल गया तो खोल ही लेते हैं। चलो यहाँ पे एक जनरेटर, एक सेकंड बैटरीज भी हैं, तो यहाँ पे एक जनरेटर है, ये चालू करते हैं फिर, पता नहीं पहले गेट में क्या होगा। फिर लाइट तो आई नहीं, जनरेटर चल गया तब भी लाइट नहीं आई। किसी की आवाज़ आ रही है, एक सेकंड, ये कौन, भाग लेते हैं यहाँ से, नहीं ये जा रहा है, इसको पता नहीं चला, इसको चल क्या पता, भागो। Oh.
कांचों पे ये रहा या ओके तो अभी ये चला गया। चलते हैं वापस फिर देखते हैं कहां तक पहुंचा सीन। अरे नहीं ये तो यहीं तक ही गया था फिर आ गया। अबे भागते जा रहा है इनने मारा भी आपने देखा हमें हिट पड़ा। तो बेसिकली यहाँ पे आने का एक सेफ पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे आने से एकदम से भाग जाता है। ठीक है चलो कुछ तो पता चला हमें। तो अभी थोड़ा वेट करेंगे फिर उसके बाद जाएंगे ज़्यादा सही रहेगा। तो हमें रिस्टार्ट जनरेटर करना है। हमने एक चला दिया शायद मे भी हो सकता है दूसरे गेट में दूसरा जनरेटर हो। तो बेसिकली जनरेटर तो एक ही होगा दो क्यों होंगे अब पता नहीं जो भी है देखते हैं फिलहाल। तो अभी तो नहीं है यहाँ पे। एक सेकंड रीलोड करनी पड़ेगी बैटरीज। कहाँ से आ रहा है फिर से आ रहा है क्या आवाज़ आ रही है। फिलहाल हम चलते हैं इस खुला हुआ गेट है ये। अबे यार मेरी फटक रही थी सच में। कमीना फिर आ गया। यहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो। अरे नहीं शिट भागते पहले आ रहा है आ रहा है। देखो जैसे हम यहाँ पे आए दोबारा भाग गया। तो ये थोड़ा सा अजीब सीन है। कुछ समझ में नहीं आ रहा करें क्या और करना क्या है क्योंकि जनरेटर तो हमने ऑन कर दिया ना। ठीक है आगे नहीं है। एक सेकंड हमने सामने कभी गौर नहीं करा सामने भी तो कुछ है ना आगे। फिर हमने लेफ्ट राइट चेक कर लिया लेफ्ट राइट तो कुछ नहीं है शायद। यहाँ से ऑन करना हो जनरेटर ऑन करने के बाद लिखा है टर्न ऑन टू गैस पंप्स एंड मेन ब्रेकर टू रीस्टार्ट द जनरेटर। तो ये मेन ब्रेकर होगा आई गैस। और इसमें लिखा था गैस पम्प वन टिक यानी कि हमने गैस पम्प टू एक सेकेंड फिर से आ गया यार ये। तो गैस पम्प टू शायद दूसरे गेट में होगा और हमने वो ऑन नहीं करा क्योंकि वहाँ पे हमें ये भूत मिल गया था फिर से। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही हम आपसे अगले पार्ट में मिलेंगे। और हाँ वीडियो गेम ये वीडियो गेम भी थोड़ा छोटा है इसलिए मैं ज़्यादा शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। सो स्टे ट्यून अगले पार्ट में मिलते हैं आपसे काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय।